जब व्यक्ति को उसके जीवन का लक्ष्य पता होता है तो वह अपने लक्ष्य से भटके बिना जीवन में उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसलिए जीवन का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको इस जीवन के समाप्ति के बाद भी लाभ पहुंचाए। हर व्यक्ति के दिमाग में भी यह सवाल कभी ना कभी जरूर उठता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइव वीडियो जस्ट इमेजिन पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने गीता में जीवन का क्या उद्देश्य बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ धार्मिक अनुभवों का एक आध्यात्मिक सफर। हर कोई अपने आसपास के लोगों को देखकर अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है, जैसे नौकरी, बड़ा घर, जमीन जायदाद, घर परिवार, मान सम्मान, इज्जत आदि। लेकिन हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता में भगवान कृष्ण ने इन सभी बातों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने से मना किया है। हालांकि इन सभी चीजों को भी अपने जीवन में हासिल करना चाहिए, लेकिन इन्हें कभी भी अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंत में व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल मिलता है। संसारिक वस्तुएं आप कितना भी इकट्ठा कर ले, इनका कोई मोल नहीं है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे होते हैं, तब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य अच्छे कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। बिना अच्छे कर्म किए मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पृथ्वी पर लगभग 84 लाख प्रकार के जीव जंतु विद्यमान हैं, और व्यक्ति का उसके कर्मों के आधार पर निर्णय होता है कि वह किस जीव जंतु के रूप में जन्म लेगा। इन 84 लाख जन्मों में मानव जीवन को सबसे अच्छा माना गया है। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। मोक्ष की प्राप्ति के लिए दो बातों का होना बहुत जरूरी है, व्यक्ति के अपने जीवन के अच्छे कर्म तथा उसके मन में सभी प्रकार की इच्छाएं खत्म हो जानी चाहिए। मतलब उसके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष, क्रोध, लालच, घृणा नहीं होनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी सांसारिक जीवन से मोह नहीं मोड़ना चाहिए, उसे अच्छे कर्म करते हुए जीवन में अधिक से अधिक धन कमाना चाहिए, अपने और अपने परिवार की सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करके आत्मसंतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए तथा साथ साथ उसे मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर भी चलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने मनुष्य जीवन को इन चार उद्देश्यों में समेटा है। अर्थ यानी धन दौलत। अर्थ से तात्पर्य है जीवन में अपने और अपने परिवार के लिए भौतिक सुख सुविधाएं अर्जित करना। प्रत्येक मनुष्य को न केवल अपने सुखों के लिए धन अर्जित करना चाहिए, अपितु अपनी संतान, माता पिता, रिश्तेदार, जीव जंतु तथा पर्यावरण के प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। धन संपदा अर्जित करना और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना धर्म है, लेकिन धन संपदा अर्जित करके उसका संचय कर लेना अधर्म है। प्रत्येक धर्म यही कहता है कि आप जितना कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा दान जरूर करना चाहिए। धन दौलत कमाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। धन कमाने के लिए कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। अधर्म के साथ धन कमाना पाप है। अधर्म का मतलब है ऐसे कार्य जो कानून और धर्म की नजर में गलत हैं, जैसे किसी को मारना, चोरी करना, किसी दूसरे का हक छीनना, अपने फायदे के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान करना आदि। अगर आप पैसा कमाने में सक्षम हैं, लेकिन आप परिश्रम नहीं करना चाहते और पैसे के लिए किसी और पर आश्रित हैं, चाहे वे आपके माता पिता ही क्यों ना हो, भगवान कृष्ण ने कहा है कि ऐसा करना भी पाप है। काम यानी मौज मस्ती। काम से तात्पर्य है सभी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के सुखों को भोगना।
काम के अंतर्गत संगीत सुनना, स्वादिष्ट खाना पीना, नाटक, अच्छे वस्त्र पहनना, आभूषण पहनना, रहन सहन के साधन, शादी करना, संतानोत्पत्ति, खेलकूद तथा मनोरंजन के सभी साधन आदि आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी काम वासना की पूर्ति करने का अधिकार है। इन साधनों के अभाव से व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है। कुछ व्यक्ति अपनी काम इच्छाओं का दमन करके मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। मोक्ष की प्राप्ति केवल तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है और अंत में उसके मन में किसी भी प्रकार की इच्छा बाकी नहीं रह जाती। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है कि अपने काम की पूर्ति करना गलत नहीं है, लेकिन काम की पूर्ति करते समय धर्म और अर्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। धर्म दुनिया के सभी धर्मों का एक ही सार है, जियो और जीने दो। दुनिया के सभी प्राणियों का यह निजी कर्तव्य है कि वे स्वयं के जीवन की रक्षा करें, लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों के जीवन को कष्ट में नहीं डालें। धर्म कुछ ऐसे नियमों का संग्रह होता है जिनका पालन करने से प्रत्येक प्राणी के मन में दूसरे सभी जीवों के प्रति आदर सम्मान का भाव पैदा होता है। धर्म का मूल उद्देश्य होता है मानवता की भलाई करना। मोक्ष का मतलब होता है जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। मोक्ष मिलने पर व्यक्ति को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, लेकिन मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट होता है। यह सुख और शांति की परम सीमा है जो कि मन की सभी इच्छाएं खत्म होने के बाद मिलती है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से पूरी तरह तभी संतुष्ट हो सकता है जब वह अपने तीनों कर्तव्यों कर्म, धर्म और काम का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करता है। मोक्ष प्राप्ति मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। ज्यादातर लोग प्रथम तीन लक्ष्यों के पीछे भागते हुए ही असंतुष्ट जीवन बिता देते हैं। अज्ञानी, अधर्मी, निष्क्रिय, असंतुष्ट, ईर्ष्यालु, क्रूर, रोगी, भोगी व्यक्ति को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।